पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाय चैन ने हाओ तियान को अपने सेट के अंदर ले आया होता है, जहां लाने के बाद वो उसे कल्टीवेशन करने वाली बुक भी देता है, जिस वजह से हाओ तियान ने बहुत ही जल्द अपने फिफ्थ लेवल को भी वहां पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो देखकर तो बाय चैन भी हैरान रह जाता है। तभी वहां पर लोली नाम की एक लड़की आती है जिसके पीछे घोस्ट सेट के कुछ लोग पड़े थे, इसलिए बाय चैन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट सेट के सारे लोगों को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही फंसा देता है, ताकि वो यहां पर लोली को बचा सके, जिस वजह से वो यहां पर इस चीज में कामयाब भी हो चुका था। और अब यहां से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लोली ये देखकर एकदम हैरान थी कि इस बादशाह ने तो बहुत ही आसानी के साथ घोस्ट सेट के सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया, न जाने वो लोग कहाँ जा चुके हैं। इसलिए वो बादशाह के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहती है, मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं आज से आपके सेक्ट में रहना चाहती हूँ। ये देखकर तो बादशाह भी हैरान रहता है कि ये तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे सेक्ट में रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो उससे कहता है, मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी इंटरनल पावर को चेक कर सके कि उसके पास कितनी पावर है। लेकिन तब जो उसकी सिस्टम होती है उसे बताती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लोली तुम्हारे सेट में शामिल तो होना चाहती है, लेकिन उसका लॉयल्टी परसेंट सिर्फ 10% ही है, यानी कि वो तुम्हारे पर सिर्फ 10% ही भरोसा करती है, बाकी के 90% वो तुम्हें अभी तक ये अनजान इंसान ही मान रही है। सुनकर तो बायचन भी हैरान रहता है कि मैंने तो यहाँ पर इसकी जान बचाई थी, लेकिन तब भी मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिस वजह से इसका यहाँ पर ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बस जगह ढूंढने के लिए आई है, एक दो दिन यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से चली जाएगी। आखिर लड़कियों को जल्दी किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता है। तब उसके सिस्टम उसे बताती है लोली के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से उसे अगले 36 घंटों के अंदर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और अगर फिनिक्स बर्ड की पावर उसके अंदर से 36 घंटों के अंदर एक्टिवेट नहीं हुई तो वो पावर वहां पर खत्म हो जाएगी। अगर बायचैन ने उसकी फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर दी तो इसके बदले बायचैन को एक बहुत ही बढ़िया कमरा दिया जाएगा, जिसके अंदर बायचैन आराम के साथ रह सकता है। इसलिए वो फिर से लोली के पास उसके फिनिक्स बर्ड की पावर को चेक करने के लिए आ रहा है। ये देखकर तो लोली और ज्यादा घबरा जाती है, और उसका भरोसे का परसेंट सिर्फ 5% रह गया था। तब हाओ तियान जो होता है लोली से कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानती, तुम्हें मास्टर को टच करने दे देना चाहिए था, क्योंकि जब भी मास्टर टच करते हैं तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट होती है, इसलिए आगे से जब भी वो तुम्हें टच करने की कोशिश करें तो उन्हें टच करने देना, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कभी एक्टिवेट नहीं होगी। जिसके बाद बाय चांस जो होता है लोली को उसका कमरा दे देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कबाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहती है कि आखिर इस कबाड़ के अंदर मैं कैसे रहूंगी। इधर बाय चांस अपने सिस्टम से कहता है, मैंने तो लोली को अपने सेक्ट में शामिल कर ही लिया, तो इसके बदले जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, जो कि वही महल जैसा कमरा होगा, मुझे वो चाहिए ताकि वहां पर जाने के बाद मैं आराम से रह सकूं। इसलिए उसकी सिस्टम जो होती है उसे वो महल वाला कमरा दे देती है, जिसे देखकर तो बाय चैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, काफी दिनों बाद मुझे यहाँ चैन की नींद आएगी, इतने बढ़िया कमरे में रहने की वजह से मेरे डिसाइपल को इस पर तो भरोसा होगा कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं बड़े ही शान के साथ यहाँ पर रह लूंगा। लेकिन तभी वो बेचारा वहां की बेड से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है उसके सिस्टम उससे कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लोली की फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना है, उसका टाइम खत्म होते जा रहा है, अगर तुमने टाइम के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो मैंने जो तुम्हें ये महल दिया है वो भी वापस कर लूंगी, और उसके बाद कभी तुम्हें अपनी पावर नहीं दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए बायचैन डरते हुए वहां से लोली के पास आता है, वो भी आधी रात के अंदर। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर लोली उसे गलत ना समझ ले, वो तो बेचारा यहाँ पर लोली के ब्लॉक मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए आया था, ताकि वो यहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर हाओ तियान आता है, जो उसे देख लेता है और उससे पूछता है, मास्टर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखो तो बायचैन भी हैरान था कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ ये वहाँ पर वापस आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर लोली भी आ जाती है, जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई थी, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। और जैसे बाहर आने के बाद वो बायचैन को यहाँ पर देखती है, उसका भरोसे वाला परसेंट अब सिर्फ 3% रह जाता है। उसे पूरा डाउट हो चुका था कि ये बायचैन यहाँ पर कोई मास्टर वास्टर नहीं बल्कि उसका फायदा उठाना चाहता है। बेचारा बायचैन तो यहाँ पर दोबारा से फंस गया। जिसके बाद बायचैन जो होता है लोली को वही गॉड लेवल वाली बुक दे देता है, और उसे देते हुए कहता है, लो इसे प्रैक्टिस करो, मैं देखता हूँ तुम्हें इसे समझना आता भी है या फिर नहीं। क्योंकि जब बायचैन को ये बुक मिली थी तब तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। तब लोली जैसे उस बुक को लेती है वो उस बुक की टाइटल को ही देखकर उसकी पूरी की पूरी बुक का समझ जाती है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस चीज से तो बायचैन एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर नो के पास कितनी ज्यादा पावर है, मेरे पास तो नाम बराबर की भी पावर नहीं है, मैं तो इस बुक को समझ नहीं पाया था, और इस लोली ने तो बस इसका टाइटल पढ़ के ये पूरी की पूरी बुक को समझ लिया है। तब बायचैन जो होता है उसे उस बुक के बारे में पूछने लगता है कि क्या इस बुक में लिखा हुआ है और किस तरह से इसमें कल्टीवेशन करने के बारे में बताया गया है। इसलिए लोली जो होती है उसे सारी चीजें बताने लगती है कि इसमें लिखा है कल्टीवेशन करने का सफर इतना आसान नहीं होता, एक दिन में कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उसके लिए काफी सालों की मेहनत लगती है। और जैसे जैसे उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे वो सारे शब्द बायचैन को पत्थर की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उस बुक को समझ ही नहीं पाया था, जिस बुक को लोली ने बस टाइटल पढ़ते साथ ही पूरी तरह से समझ लिया। उसके बाद बायचैन जो होता है
हाओतियान से पूछ रहा होता है, जब तुमने अपने फिफ्थ लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? ये सुनकर लोली जो होती है बाय चांस से कह रही होती है, क्या तुमने कभी ब्रेक थ्रू नहीं किया क्या? तुम अगर किए होते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि आखिर ब्रेक थ्रू करने पर कैसा महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक कभी ब्रेक थ्रू ही नहीं किया अपना। लेकिन तब हाओतियान जो होता है लोली से कहता है, मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ऐसी छोटी मोटी टेक्निक को कभी नहीं सीखा होगा। तभी तो उन्हें नहीं पता कि आखिर इसे ब्रेक थ्रू करने में कैसा महसूस होता है, इसलिए वो सारी चीजें बताना शुरू कर देता है कि जब मैंने अपने फिफ्थ लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो मेरे अंदर बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसके भी साथ क्यों ना फाइट करूं, मैं वहां पर उसकी जान ले सकता हूं। उसके बाद हाओतियान जो होता है बाय चांस से कह रहा होता है, हम दोनों ने इस बुक को तो काफी हद तक समझ ही लिया है, इसलिए हमें स्वॉर्ड आर्ट वाली बुक चाहिए ताकि हम थोड़ी स्वॉर्डमैनशिप भी सीख सकें, तो क्या आप हमें वो बुक दे सकते हैं? ये सुनकर तो बाय चांस एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसके पास तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है, अगर तुम्हें ऐसी बुक चाहिए तो तुम्हें कम से कम 24 घंटे के अंदर 66 पेड़ को कट करना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें कट कर लिया उसके बाद मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे दूंगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इन दोनों को स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकते हो। इसलिए बाशन बेचारा इस टास्क को करने के लिए मान जाता है और वहां पर से लोली के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाता है, जहां आने के बाद वो 66 पेड़ को काटने के काम पर लग जाता है। लेकिन पूरी रात गुजर चुकी थी, उससे तो अभी तक एक भी पेड़ नहीं कटा होता है। तब वहां पर लोली और हाओतियान भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बाशन उनसे कहता है, अरे वहां तुम तो सही टाइम पे आओ, हमें हमारे सेट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ पेड़ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इन पूरे के पूरे 66 पेड़ को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। जिस पर वो दोनों इस टास्क को करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद बाय चांस वहां से मुर्गा पकड़ने के लिए चले जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए पेड़ भर सके, और जैसे वो उसे पकड़ कर खाने वाला होता है तभी वहां पर हाओतियान और लोली आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं हमने पूरे के पूरे 66 पेड़ को कट कर दिया है। ये देखकर तो बाय चांस भी हैरान रह जाता है कि इन्होंने तो बस कुछ मिनट के अंदर पूरे के पूरे पेड़ को कट कर दिया। तब उसे इस टास्क को पूरा करने की वजह से वही स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक मिल जाती है, इसलिए वो उस बुक को उन दोनों को दे देता है, जिसे पाकर तो वो दोनों एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मास्टर के पास तो सच में स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक है और उन्होंने हमें ये बुक दे दी है, अब तो हम इसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वहीं उनके बुक लेने के बाद बाय चांस सोच रहा होता है कि काश मैं भी स्वॉर्डमैनशिप को सीख पाता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।